नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में आपको प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मेरे चैनल का उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुसंधान किए जाते हैं, नई नई कृषि पद्धति, खाद बीज एवं उर्वरक से संबंधित जानकारी होती है, वह आप तक लेके आऊँ। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की कृषि जानकारी आपको सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, आज की कृषि जानकारी में आपके लिए लेके आया हूँ धान की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, विश्व में अगर मक्का के बाद किसी फसल को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है तो वह धान ही है। यह एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। चावल को भारत में, एशिया सहित पूरी दुनिया में मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। भारत में खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान ही है। ऐसे लगभग देश के सभी कोनों में उगाया जाता है। वर्तमान समय में धान की फसल करने वाले किसानों की संख्या करोड़ों में है। चीन के बाद चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। यदि आप भी धान की फसल को करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में धान की खेती कैसे होती है, धान की उन्नत किस्मों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। किसान भाइयों, भारत में धान की खेती को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां धान की खेती को 71% भूमि भाग पर उगाया जाता है। राज्य की अधिकतर आबादी का प्रमुख स्रोत चावल ही है। इसके बावजूद विकसित राज्यों की तुलना में यहां धान का उत्पादक बहुत कम है। किसान भाइयों, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि तकनीकी का होना बहुत जरूरी है, जिससे वह फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव कर भूमि व जलवायु को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके का इस्तेमाल कर फसल का अच्छा उत्पादन कर सके। किसान भाइयों, आइए आगे चलते हैं, धान की किस्में कौन कौन सी है इसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में भी कई किस्में पाई जाती है। जगह के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में मैं बताने वाला हूं। इन किस्मों में फसल 90 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है। वह किस्म है पूसा 1460, WGL 32100, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, MTU 1010, IR 64, IR 36, DRR धान 310, DRR धान 45। इसके अलावा अन्य भूमि के मुताबिक तैयार की जाने वाली फसलों व किस्मों के नाम की जानकारी आगे देने वाला हूँ। किसान भाइयों, असिंचित दशा में तैयार की जाने वाली फसलों एवं किस्में इस प्रकार है, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, सुस्त सम्राट, नरेंद्र, लालमणि। किसान भाइयों, आगे है सिंचित दशा में तैयार की जाने वाली किस्में, जैसे पूसा 169, नरेंद्र 80, पंत धान 12, मालवीय धान 322, नरेंद्र धान 2065। किसान भाइयों, अब आगे है मध्यम पकने वाली किस्मों के नाम जो सिंचित दशा में ही तैयार होती है। ये है धान 10, पंत धान 4, सरजू 52, नरेंद्र 359, नरेंद्र 2064, नरेंद्र धान 2064, पूसा 44, PNR 381 प्रमुख किस्में मानी जाती है। किसान भाइयों, अब आगे है उसरीली भूमि में तैयार की जाने वाली धान की किस्में, जैसे नरेंद्र उसर धान 3, नरेंद्र धान
5550, नरेंद्र उसर धान 2008, नरेंद्र उसर धान 2009। तो किसान भाइयों, आप अपने जगह के हिसाब से धान की किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए आगे बात करते हैं धान के खेत को कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, धान की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे पुरानी फसल के अवशेष निकल जाए। इसके बाद खेत में पानी को लगा देना चाहिए। खेत में पानी को लगाने के बाद उसे कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दें। इसके बाद खेत फिर से जुताई कर मेड़ बंदी बना दें, जिससे खेत में बारिश का पानी अधिक समय तक जमा रहे। धान के खेत में बुआई के समय हरी खाद के रूप में ढेंचा सनई ली जा रही हो तो फास्फोरस का भी इस्तेमाल करें। धान के खेत में रोपाई से एक हफ्ते पहले खेत को सिंचाई कर तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब जानते हैं धान के बीज की मात्रा तथा इसकी बुआई कैसे करें। किसान भाइयों, धान के बीजों को खेत में लगाने से पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके लिए 25 किलोग्राम बीजों को 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थैरम से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर आप धान की सीधी तौर पर बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक के बीज होने चाहिए। इसके अलावा धान की रोपाई के लगभग 30 से 35 किलोग्राम धान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होने चाहिए। किसानों में धानों की सीधी बुआई को ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इससे किसानों को अत्यधिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इस तरह की बुआई में सही समय पर बुआई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए मानसून का सीजन प्रारंभ होने से दो हफ्ते पहले यानी जून महीने के मध्य तक बुआई कर देनी चाहिए। बुआई की यह प्रक्रिया उत्तर भारत और पूरे मध्य भारत में अपनाई जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ पर धान की बुआई को खुर्रा सूखे खेत विधि द्वारा किया जाता है। किसान भाइयों, आइए आगे जानते हैं धान की खेती में उर्वरक की मात्रा कितना रखना है। किसान भाइयों, धान के फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए खेत में सही मात्रा में उर्वरक का होना आवश्यक होता है। धान की रोपाई के बाद यदि फसल को उर्वरक की सही मात्रा दी जाती है तो पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। धान की खेती में यूरिया के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार को नुकसान होता है। किसान अपने फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 100 से 130 ग्राम किलोग्राम DAP, 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 40 किलोग्राम यूरिया एवं 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर 4 बीघा की दर से रोपाई के समय तथा यूरिया की 60 से 80 किलोग्राम मात्रा रोपाई के 4-5 सप्ताह बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए आगे जानते हैं धान की सिंचाई कैसे करें। धान की फसल में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में बीजों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। धान की फसल को एक रोपाई के एक सप्ताह तक पौधों के कल्ले फूटने तक, दाना भरते समय तक खेत में पानी की पूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिए। इसके लिए बांध बनाकर उसमें पानी भर देना चाहिए, जिससे कि पानी खेत में बना रहे और पौधा ठीक से वृद्धि कर सके। किसान भाइयों, आइए आगे जानते हैं धान की फसल में लगने वाले रोग। किसान भाइयों, धान की फसल में भी कई तरह के कीट रोग देखने को मिल जाते हैं। यह कीट रोग तापमान तथा जलवायु संबंधी कारणों तथा खेती के तरीकों से भी होता है, जैसे बदरा यानी ब्लास्ट, तना गलन यानी स्टेम रोट, तल गलन एवं बकाने यानी फूट रोट एंड बैकेनी, पर्णछद गलन सीथ रोट, पर्णछद अंगमारी सीथ ब्लाइट, भूरी चित्ती ब्राउन स्पॉट, आभासी कांगियारी फॉल्स स्मट, उद्वता जीवाणु पत्ती अंगमारी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणुज पत्ती रेखा यानी बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, टुंग्रो डिजीज, घासीय वृद्धि रोग यानी ग्रेसी स्टंट।
किसान भाइयों, इस तरह के रोगों से बचाव के लिए समय समय पर संबंधित दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। यदि सही समय पर दवाई का छिड़काव किया जाता है तो फसल में लगने वाले रोगों से फसल को बचाया जा सकता है। इस तरह से धान की अच्छी खेती करके किसान भाई अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, जिसे सरकार द्वारा लगाए गए केंद्रों और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर मंडी में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान धान के चावल निकाल कर बेच सकते हैं, जिससे भी अच्छी कमाई की जा सकती है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।